Dear students, I am going to discuss with you about the Michaelis-Menten pharmacokinetics, which is a part of the non-linear pharmacokinetics of the unit 5 of your syllabus. Here it is the equation of the Michaelis-Menten equation, which is a part of the non-linear pharmacokinetics. The equation describes many things, like first, a kinetic equation is something which is a capacity limited or a saturable process, and it depends on various parameters. As you know, when a drug enters a body, there is a movement of drug within the body at a particular concentration, which is mentioned as the rate of movement of the drug. And as the drug enters, it is retarded by the various factors. That is why the negative sign is given as minus dc by dt. Okay, rate of decrease of drug concentration with time is minus dc by dt. When you take some drug, the concentration of drug simultaneously decreases with time. Here c is the plasma drug concentration, means the total drug present in the plasma fluid within the blood circulation. जो भी ड्रग प्लाज्मा में प्रेजेंट है, अगर हम किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें जो ड्रग प्रेजेंट है दैट इज सी. वी मैक्स इज द टोटल मैक्सिमम थियोरिटिकल कंसंट्रेशन. हियर इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन विच गोस अंडर a particular process. Basically, Michaelis-Menten equation is also used for proteins, so the velocity of the reaction term is used here, and Km is the Michaelis-Menten rate constant. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफाइन करना मुश्किल होता है. वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या ड्रग से ड्रग में वेरिएट करता है, और वे कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं. तो इनको हम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, और क्योंकि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है जिस है, तो वहां पे हम इसको डिनोट करने के लिए एम को साथ में अटैच करते हैं. सो दिट इज के फॉर कांस्टेंट एंड एम रिप्रेजेंट मेटाबॉलिज्म, प्लस सी इज द कंसंट्रेशन. अब देखिए, ड्रग हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है. वो ड्रग एंटर करने के बाद शुरू में जब वो मेटाबोलाइज होगा तो उसके एक पर्टिकुलर रेट से वो मेटाबोलाइज होगा जब तक कंसंट्रेशन कम है. जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो क्या होता है, सेल्स जो है वो अब सेचुरेट होने लगते हैं, यानी उनके पास अब जगह नहीं रह जाती कि वो एक साथ बहुत ज्यादा ड्रग्स को एंट्री दे पाए, तो वो लिमिटेड नंबर में ही ड्रग को एंट्री दे पाते हैं. ऐसे में हमको एक डिफरेंस देखने को मिलती है जिसको मैं अब आपको दिखा रहा हूँ. हियर यू कैन सी, ये जैसे ड्रग हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है. जब ड्रग का कंसंट्रेशन कम था तब तो एंट्री बड़ी स्मूथ हो रही थी, और जितना ड्रग आ रहा था उतना तेजी से वो मेटाबोलाइज हो रहा था, उसका यूजअप हो रहा था, और ये वी मैक्स वेलोसिटी से हो रहा था. फिर एकाएक क्या हुआ कि ये थोड़ा स्लोप अब ढलने लगा. आप देखेंगे यहाँ पे ढलान देखने को मिल रही है ना. तो जब ड्रग का एंट्री हो रहा था और ड्रग मेटाबोलाइज हो रहा था, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर कैरेटिक्स को फॉलो कर रहा था. जितना एंटर हुआ उतना मेटाबोलाइज हो गया. फिर थोड़ी देर बाद देखने को मिला कि अब जो है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो होते जा रहा है ना, धीरे धीरे स्लो हो रहा है. दिस व्हाट दिस थिंग शो, दिस शोज दैट नाउ द नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स और द नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म और द नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म आर लिमिटेड, सो दे आर द स्पीड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम. डीसी बाई डी टी क्या बताता है, इट इज द कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, इट इज लाइक द स्पीड, ठीक है. अब ये क्या, ये क्योंकि ड्रग का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव में शो करते हैं, माइनस डीसी बाई डी टी, है ना. अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये धीरे से एकदम स्लो होके अब जीरो ऑर्डर पे पहुंच गया, और अब ये लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा ये, है ना. तो यही जो है ये प्रोसेस मिकैलिस मेंटेन काइनेटिक्स में हमको देखने को मिलती है. वापस अपने इक्वेशन पे आ गए हैं हम. इक्वेशन जो है वो बता रहा है
रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिक्रीजिंग विथ टाइम एंड द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आर, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो है वीमैक्स, वीमैक्स जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है जिससे कि रिएक्शन हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अन्य प्रकार की जो रिएक्शंस हमारे लिवर में या बॉडी फंक्शंस में होते हैं उस, एंड इट इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, इट इज नेगेटिव टू द कंसंट्रेशन विद द मिकैलिस रेट कांस्टेंट, है ना। तो हमको ये इक्वेशन मेंशन करना है और इक्वेशन मेंशन करने के साथ में इस ग्राफ को मेंशन करना है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो हमको उसमें हेल्प करेगा, है ना। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद इक्वेशन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसमें हमको एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि ग्राफ प्लॉट करने से बहुत से पैरामीटर पहले ही क्लियर हो जाते हैं। देखिए, ये डीसी बाई डीटी हो गया, यहाँ पे हमारा सी है, ये के एम है, ये के एम मैक्सिमम है, वी मैक्स टू है, तो हमको ये बताने में भी आसानी होती है। इसी चीज को हमको एक्सप्लेन आउट करना है वहां पे, ठीक है। अब इसमें तीन अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जब हम इसको एक्सप्लेन, इसमें तीन अलग अलग सिचुएशंस जो आती हैं उसमें पहला सिचुएशन है के एम इज इक्वल टू सी, के एम की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है। तो अब क्या होगा, जैसे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, के एम की जगह हम सी को इनपुट कर देंगे, अब सी प्लस सी इक्वल टू टू सी, ठीक है। और ये क्या है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा टू, तो वी मैक्स बाई टू। तो ये जो हमें कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में देखने को मिलते हैं, जहां पे कि हम ये देखते हैं कि ड्रग की जो मात्रा जो रेट कांस्टेंट जो हो रहा है, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो रेट कांस्टेंट के ही बराबर है या फिर मिकैलिस मेंटेन कांस्टेंट के ही बराबर है। ये हमें जो पॉसिबल कंडीशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो हमने यहाँ देखी थी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम कंडीशन वन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मिक्स्ड ऑर्डर है वो सेकेंड कंडीशन में आएगा। सेकेंड कंडीशन ये कहता है के एम जो है वो सी से बहुत ही ज्यादा है, यानी मिकैलिस मेंटेन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सी की वैल्यू होना या ना होना नेग्लिजिबल हो जाती है। उदाहरणतः अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू है 1 लाख और दूसरा सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू है 0.1, तो जब हम इसको ऐड भी करेंगे तो फाइनली जो गिना जाएगा वो 1 लाख गिना जाएगा, 0.1 नेग्लिजिबल हो जाता है क्योंकि बहुत कम मात्रा है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इक्वेशन में एक चीज देखने को मिलेगी, के एम प्लस सी जो है वहां पे सी की मात्रा नेग्लिजिबल हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, इसलिए वो बराबर के एम हो जाता है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, देखिए के एम जो है वो सी से ज्यादा है, इसलिए के एम प्लस सी की मात्रा के एम के बराबर हो जाती है, क्योंकि सी यहाँ पे जीरो है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू वी मैक्स सी बाई के एम। ये कंडीशन जो है ये हमें एक्चुअल में मिकिलिस मेंटेन इक्वेशन को देखने के समय मिलती है, और ये होता है जब रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ने लगता है और ड्रग कंसंट्रेशन जो बॉडी में है वो धीरे डिक्रीज होने लगता है। ये कंडीशंस उन ड्रग्स के साथ भी देखने को मिलती है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं जैसे कि फिनेटोइन और अल्कोहल, जो कि हम एक्सेप्शनल ड्रग मान। तीसरा सिचुएशन यहाँ पे जो आ रहा है वो के एम की मात्रा जब सी से कम रहती है, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेट कांस्टेंट जो है वो कम हो गया है या वो कम है, ऐसे में जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है कब, जब हम मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन के उस पोर्शन में जाते हैं जब जीरो ऑर्डर हमको देखने को मिलता है। तो माइनस डी सी बाई डी टी क्या हुआ, वी मैक्स बाई सी, है ना, क्योंकि के एम तो नेग्लिजिबल हो गया तो के एम को गिनने की जरूरत नहीं है,
है ना। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे सी सी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें माइनस डी सी बाई डी टी जो है वो बराबर वी मैक्स मिलेगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, आप लोग को इसको याद करना है, रटना है, फॉर्मूले को लिखेंगे और कई बार लिख के कागज में 3 या 4 बार लिखें और उसके बाद इसको रट लें, तभी आपको ये याद रह पाएगा। स्टूडेंट्स आपके टॉपिक के लिए, और आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।